कौन है जो डाटा लिया जाकर हम सब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का अभिनंदन करें। भैया मोबाइल पीछे करिए, थोड़ा पीछे भाई, फायदा उठाओ। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम सब की ओर से उनका आभार व्यक्त करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, इसी क्रम में माननीय विधायक जी से निवेदन है कि आज आपकी विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भारत माता की यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम सबके बीच में उपस्थित है। बाराबंकी जनपद की ओर से विधानसभा कुर्सी की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीसीएल की 15,85,50,000 रुपए की चेक हमारी समूह की बहनों को माननीय उप मुख्यमंत्री जी रात को ओला पड़ गए, ओला इधर पड़े कि नहीं पड़े, खेती में कुछ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, जरा हाथ उठा बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ सर्वे का काम हो गया कि नहीं हो गया, अभी नहीं हुआ। सारे अधिकारी इसको नोट कर ले, ये सरकार के स्पष्ट निर्देश है, जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका अविलंब सर्वे करा करके उसके मुआवजे के वितरण की कार्रवाई बिना देरी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। दूसरा एक और निवेदन, बहुत सारे ऐसे किसान हैं आजकल जागरूक किसान हो गए, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसलों का बीमा कराते हैं। कोई किसान ऐसा है जिसने अपने फसल का बीमा कराया, बताओ हाथ उठा करके, बहुत लोग कराए, ये निश्चिंत बैठे, चाहे ओला पड़े चाहे पानी गिरे चाहे आंधी आवे, अगर इनकी फसल बर्बाद होगी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इनके खाते में उस नुकसान की भरपाई पहुंचा देने का काम किया जाएगा। तो आप सबको ये भी आह्वान है, जैसे ये सारे किसान कर रहे हैं वैसे बाकी किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने खेती जो करते हैं उसको आच्छादित करने का काम करें। सरकार आपके हित में, आपके साथ में, किसानों के साथ में खड़ी थी और पूरी मदद के लिए खड़ी है, लेकिन आप सबसे अपील है इस दिशा में भी आप प्रयास करें, आगे बढ़े। एक काम मैं और इस मंच से निर्देश दे करके जा रहा हूं, आजकल गांव में बड़ी संख्या में चारागाह की जमीन है, गोचर भूमि जिसे कहते हैं, है कि नहीं, कहीं है कहीं कि नहीं है, अभी बहुत सारे लोग उसको कब्जा किए हैं, उसको खाली करा दिया जाए तो अच्छा है कि गलत, जोर से बोलो ना, अच्छा है। अधिकारी लोग नोट कर लें, गांव के अंदर या पूरे तहसील और ब्लॉक के अंदर कोई चारागाह की भूमि है उसने कोई अवैध कब्जा किया है तो उसको नाप करके उसको खाली कराइए, वहां नैपियर घास एक होती है जो गौ आप दूध दुहने के बाद जो गौशाला में आप गाय बछड़ा भेज देंगे उसको खिलाने के लिए चाहिए, इसलिए गौचर भूमि अगर किसी ने कब्जा किया अपने आप खाली कर दे, अन्यथा खाली कराने का काम सरकारी स्तर पर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चक्रोड है, चक्रोडों पर कब्जा किए, चक्रोडों पर कब्जा है कि नहीं बताओ, जोर से बताओ ना, है, उसको भी खाली करा दिया जाए। तो चक्रोड को, चकमार्ग को खाली कराना, मनरेगा से तत्काल प्रभाव से उसको आगे जाने के लायक बनाना और फिर आगे योजना में जैसे बजट की व्यवस्था हो उसे पक्का मार्ग बनाना, क्योंकि जो कब्जा किया है वो एक व्यक्ति है और जो आने जाने वाले हैं पूरे गांव के हैं, पूरे मोहल्ले के हैं, इसे हमें सबका साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस ग्राम सभा में हम सबके बहुत अनुरोध के बाद यहां पर पढ़ाए हुए हमारे सबके मार्गदर्शन और वो आपका मार्गदर्शन करें, मैं केवल दो बातें उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय, ये सामने जिस सड़क से आप निकल करके आए हैं ये सड़क आपकी ही कृपा से स्टेट हाईवे थी। का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी 2,55,54,000 की लागत से बनकर तैयार विकास खंड निदुरा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और हम सब भी तालियां बजा करके इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। मैं चाहता हूं किसी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 15,85,00,000 रुपए की ऋण सहायता की चेक हमारी समूह की बहनें यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद,
हम सब के बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है आपका बाराबंकी जनपद की विधायक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।